दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन है 25x52 25x52 का हाउस प्लान हम आपको डिस्कस करेंगे, जिसका आपको 2D मैप होता है। आपने स्क्रीन पर थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे एक सब्सक्राइबर थे, हमारे एक फ्रेंड थे, उनका मकान है, मैंने उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया 25x52 में, जिसमें आपको कार पार्किंग, 3 बेडरूम, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था, अटैच लेटरिन एंड बाथरूम, सेपरेट लेटरिन एंड बाथरूम सभी की व्यवस्था मिल जाती है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा। दोस्तों मैंने एक न्यू सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें आप पेड सर्विस का हमारा फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग हमें कमेंट करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कमेंट करते हैं तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन हमने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, लेकिन केवल वही लोग कॉन्टैक्ट करें जिनको पेड सर्विस लेना हो, मतलब पैसे देकर घर बनवाना हो। अगर आप पैसे देकर किसी भी टाइप का डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिल्डिंग हो, या आपका हॉस्पिटल हो, किसी भी टाइप का बिल्डिंग बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। तो केवल वही लोग कॉन्टैक्ट करें, वही कस्टमर कॉन्टैक्ट करें जिनको चार्ज देकर किसी भी बिल्डिंग या हाउस का प्लान बनवाना है। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और स्क्रीन पर भी हम आपको अपना नंबर शेयर कर देंगे। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पूरा मॉडल है, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25x52 को। अगर इसका हम फ्रंट व्यू देखें तो मैक्सिमम जूम करता हूँ मैं, ये इसका ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ और ये इसका फ्रंट व्यू है। ये इसका डोर लगा है, मेन डोर, जहाँ से आप कार पार्किंग करेंगे, अपनी ऊपर ले जाएंगे कार को, और यही मेन डोर है। तो ये देखिएगा पूरा डोर है, यहाँ पर स्टेयर्स हैं ये एल साइज की, और यहाँ से आप जाएंगे उसी के नीचे कार पार्किंग या पोर्च है। और ये आपका एक कम्बाइंड लेटरिन और बाथरूम, दोस्तों मैं ये बाहर दिया है, अगर आप किसी कम्बाइंड लेटरिन बाथरूम है। और ये आपका एक गेस्ट रूम है, देखिएगा ये गेस्ट रूम, और अंदर जाने के लिए ये आपका एक डोर दिया है, इस रूम में जाने के लिए ये डोर दिया है। आप यहाँ विंडो भी लगवा सकते हैं, हालांकि मैंने नहीं दिया है। ये गेस्ट रूम, अब जैसे इसके माध्यम से आप अंदर जाते तो ये आपका सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों किचन। ये दोस्तों किचन के एरिया, अगर चाहें तो आप इसे बंद भी करवा सकते हैं, चाहें तो आप इसे ओपन रखें, हालांकि यहाँ पर स्पेस बहुत है। और इसके बाद बगल में आते तो ये आपका मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर पूजा घर, ये छोटा सा एक पूजा घर। और यहाँ पर जो मैंने आपको 2D में दिखाया था, यहाँ पर एक ओपन स्पेस रहेगा, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको अधिक समझ में आए। 2D इमेज आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये वाला स्पेस जो दिख रहा है ओपन स्पेस है, यहाँ पर आप जाल रखवाएंगे अपने ऊपर से, जो भी आपका रोशनी वगैरह आएगी आप ऊपर से देख सकते हैं। और ये एक आपका पूजा घर है, ये आपकी लॉबी है, ये किचन का एरिया जो मैं दिखा रहा था। तो ये 3D में था, ये देखिए पूरा पूजा। इसके बाद पीछे की बात करें तो ये 2 बेडरूम मिल जाते हैं, जिनको जाने के लिए ये दोनों वे डोर मिलते हैं। आप यहाँ पर दोनों में चाहे तो विंडो लगवा सकते हैं, आप जैसे एंटर करते हैं दोनों रूम सेम साइज के हैं। सबसे पीछे इस रूम में मैंने दोस्तों लेटरिन दिया है और इस रूम में एक बाथरूम दिया है, ये अलग अलग भी कर सकते हैं, या आप कम्बाइंड दोनों में लेटरिन बाथरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि जगह काफ़ी है, पूरा स्पेस है, आप पे डिपेंड करता है। और पीछे ये एक ओपन स्पेस है जो बड़ा सा, जिससे वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम ना तो इन दोनों रूमों में होगी, ना लेटरिन और बाथरूम में होगी। और बाहर की बात करें, मतलब फ्रंट की वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि बड़ा सा गेट लगा है और ये आपका डोर है। तो वेंटिलेशन की प्रॉपर अवस्था है 25x52 में। और ये पूरा इसका 2D मॉडल, जैसा कि मैं और आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मेन डोर था जो मैंने बताया था, ये लेटरिन और बाथरूम कम्बाइंड था, ये गेस्ट रूम था, ये पोर्च था जहाँ आपका कार पार्किंग हुआ है, और वहीं स्टेयर्स थी। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको लॉबी में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको एक पूजा घर और एक ओपन स्पेस और ये आपका किचन यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक आपका बेडरूम है, ये बेडरूम में ये दोनों डोर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में ओपन स्पेस है, ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, अलग अलग मैंने दिया, अगर आप चाहें तो आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो ये इसका 3D मैप है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये आपको 3D में ऐसा दिखने वाला होगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका ग्राउंड फ्लोर था, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर दोस्तों मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, पीछे वाला सेम टू सेम पोर्शन वही है, सिर्फ स्टेयर्स को ढक दिया और ये आपका रेलिंग मैंने बना दिया है। ये देखिए आप रेलिंग देख पा रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा रेलिंग डिज़ाइनदार बनाया, आप चाहें जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये देखिए मैंने छत बना दिया, तो ये आपका पूरा मॉडल क्रिएट हो जाता है 25x52 में। ये पूरा जो मैंने बताया था, ये मॉडल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और इसमें अगर कोई भी आपको कमी रह रही, जैसे वेंटिलेशन का प्रॉब्लम, देखिए मैंने सारी सॉल्व करने की कोशिश की है आपको, जैसा कि आपने देखा होगा, तो ये पूरा चीज़ें आप देख पा रहे होंगे।
तो ये मॉडल था यहाँ पर दोस्तों, जो मैंने ओपन स्पेस रखा था। आप सोच रहे होंगे मैंने छत बना दिया है, आप इसमें जाल रखवा लें अपना, जाल जो भी है मैंने यहाँ पर पूरा कमांड कर दिया है। तो ये पूरा 2D मॉडल में आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा जैसा कि मैंने अपने। तो दोस्तों ये हमारा प्लान आपको कैसा लगा 25x52 में हमें कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारा जो फेसबुक पेज है आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आपका कोई भी रिकमेंडेड मॉडल है तो हमें कमेंट करें। और अगर आप पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं हमारी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप हमारे पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। वहाँ को आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, तुरंत आपका काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो चलो इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब जरूर कर लें।